ओके, तो पैकेज से मुझे याद है कि मैंने जब आपके ऊपर रिसर्च किया था तो मुझे पता चला था कि आपका कुछ 50 लाख का पैकेज है, तो इसके बारे में मतलब ये कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये पूरे का पूरा सच बात है। मैंने सुना है कि आपने हाल ही में अपना घर खरीदा है, तो इसके बारे में दो खरीदे। हाँ, तो अच्छा, दो खरीदे आपने, क्या तो आप अगर बताना चाहेंगे स्कूल से IIT जाने का जो सफर था कैसा था? तो सबसे पहले मैं पैदा हुआ था कोलाबा मुंबई में। JEE मेंस में मैथ्स में थर्ड हाईएस्ट मार्क्स थे पूरे इंडिया में। क्या बात है, कितने मार्क्स थे? 115 out of 120। जैसे आप समझ सकते हो टीनेजर्स की क्या डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो उस प्रकार की मेरी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस थी। आप बता भी सकते हो नहीं, आप समझ सकते हो भाई क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। उनको कोई देखता नहीं है, तो वो हर चीज़, वो हर जगह मेरे पास एप्लीकेबल होती है, जिसकी लोग सिर्फ टॉप को देखते हैं या बिल्कुल बॉटम को देखते हैं, बीच का कोई देखता ही नहीं है। राइट। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज से करते हैं, नॉर्मल कॉलेज से करते हैं, तो उनके कंपेयर में तो IIT वाले आगे ही रहते हैं अगर देखा। हाँ, मतलब प्लेसमेंट के मतलब लाइक उस रूप में अपन बोल सकते हैं कि हाँ, जनरली प्लेसमेंट्स हायर होते हैं IIT बॉम्बे में, वो चीज़ तो है। अब IIT फेमस रिसर्च फैसिलिटीज हो गया, पैकेजेस हो गया, एनवायरनमेंट, एक्सपोजर, वो सब बेस्ट मिलते हैं, इसलिए IIT थोड़े फेमस होते हैं बाकी कॉलेजेस से। मैं पैसा रख के कुछ फ़ायदा नहीं है, वो इन्फ्लेशन ही ओवरटेक कर लेता है उस चीज़ को वहाँ पे। तो मैंने कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में डाला, कुछ म्यूचुअल फंड्स में डाला, और कुछ मैंने इसमें डाल दिया रियल एस्टेट में। तो मैंने वैसे इन्वेस्ट करके रखा है चीज़ें कि लाइक अभी खरीद के बाद में बेच दूंगा, लाइक उस प्रकार से। तो अभी स्टॉक मार्केट में आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है कि आपने थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, ऐसा कुछ? मेरा लॉन्ग टर्म ही मानो आप, बिकॉज मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज में की है, तो मैं लॉन्ग टर्म पे ऑपरेट कर रहा हूँ, बिकॉज उनके शेयर्स बहुत गिर गए थे इस टाइम पे, तो फिर इसलिए मैंने उनमें इन्वेस्ट किया था बहुत सारा। तक कि आपने घर के अलावा लाइक लग्जरी में आपने कुछ लिया है लग्जरी के लिए? जैसे अगर आप लग्जरी कार्स की बात कर रहे हो, तो उसका मुझे शौक नहीं है, लाइक पर्सनली मैं ये मानता हूँ, बिकॉज कार की वैल्यू शोरूम से निकल के ही घटना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर से पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा का खर्चा, मेंटेनेंस। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आई वुड टेक ओला उबर और अ टू व्हीलर ओवर अ लग्जरी कार। तो वो मेरे एक डेड इन्वेस्टमेंट है, लाइक ये हमारी रिस्क टेकिंग एज है, तो अपन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा डाल सकते हैं, जिसके कारण हम लाइक और सक्सेड करें जिंदगी में। उनके लिए मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो एजुकेशन के ऊपर लाखों करोड़ों पैसे खर्च करते हैं, लाइक इवन इफ अगर आपके पेरेंट्स बहुत गरीब भी हैं, बट दे विल गो ओवर देयर हेड्स, मतलब वो अपने लिमिट्स के ऊपर जाएंगे ताकि आपके लिए इन्वेस्ट कर सके आपकी एजुकेशन में। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है एक्चुअल में, तो उस चीज़ की हमें इंपॉर्टेंस रियलाइज होनी चाहिए, और क्वालिटी एजुकेशन हम सभी को मिलना चाहिए। देखो, डिस्ट्रैक्शंस के लिए बचने के लिए हमारे पास कोई ऐसा रामबाण उपाय तो नहीं है, बट हमें सीधी सी बात याद रखनी है कि हमें एफिशिएंसी के ऊपर काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बहुत बार बोलते भी आया हूँ कि जो लोग पढ़ते हैं वो दो घड़ियाँ रखें अपने पास, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए मतलब एक्चुअल, बी मतलब बिलीव्ड। तो जैसे हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो अपन दोनों को 12 से 3 चलाएंगे, जैसे 3 घंटे पढ़ने का है, तो 12 से 3 दोनों को चलाया मैंने। लेकिन जब मैं किसी को फ़ोन कॉल करने उठ रहा हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ या पानी पीने जा रहा हूँ, देन हमें जो एक्चुअल वाली क्लॉक है उसको रोकना है। जैसे मैं फ़ोन उठाने गया तो क्लॉक को रोका, फिर मैं फ़ोन पे बात करने गया। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ तो उसको रोका, तो मैं फिर पानी पीने गया। बट जो बिलीव क्लॉक होगी वो पूरी 12 से 3 चलेगी। तो वहाँ पे हम एक्चुअल में ये देखेंगे कि जो एक्चुअल वाली क्लॉक है वो सिर्फ 2.5 या 2 घंटे चला, और ये जो बिलीव वाली है वो 3 घंटे चला। तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि अपन जो सोचते हैं जितना पढ़ रहे हैं उतना नहीं पढ़ रहे हैं, और इस चीज़ को अपन हर जगह ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई थिंक लोगों को ये पसंद भी आएगा, इस बात पे लाइक होना चाहिए गाइस, तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को। बस अच्छा रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप, गंदा रिलेशनशिप, 3 चीज़ें होती हैं। अगर अच्छा रिलेशनशिप हो तो आपका पार्टनर आपको मोटिवेट करता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन जो जैसे फॉर एग्जांपल बैड रिलेशनशिप हुआ, वहाँ पे आपका दिन भर दिमाग खराब रहता है, आप दिन भर डिप्रेस्ड रहते हो और आप सैड फील करते हो, जिसके कारण आपकी एफिशिएंसी भी बहुत कम हो जाती है। तो उस बैड रिलेशनशिप से अच्छा है कि अपन नो रिलेशनशिप में रहे उस टाइम पीरियड के लिए, ताकि अपन जिंदगी में आगे बढ़ सकें। आप सिंगल हैं या फिर कमिटेड हैं? मैं तो कमिटेड हूँ इस टाइम पे। पर्सनल हो गया मुझे लगता है। ये क्वेश्चन आपने मुझे भेजा नहीं था स्क्रिप्ट में एक्चुअल में। नहीं, ये बात हो रही थी तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जिंदगी में हार्ड वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमें हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे मैंने बहुत बार एक चीज़ बोलते आया हूँ कि हार्ड वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है।
तो अगर उसका डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो अपन जितना घंटे पढ़े, जितना घंटे मेहनत करें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। प्रॉपर डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना है, तभी वो स्मार्ट वर्क बन पाएगा। तो वही सभी के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिफोर एंडिंग विद द वीडियो, देयर इज अ वेरी 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 स्पेशल सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। एज यू नो दैट मैंने पिछले अपने बर्थडे पे एंड 100K पे कुछ गिव अवेज किए थे। द सेम विल बी डन दिस ईयर ऑल्सो। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मैंने यहाँ पे कुछ प्रूफ्स भी अटैच करके रखे हैं फॉर अ 10,000 rupees गिव अवे, फॉर एन Amazon Echo Dot गिव अवे, एंड अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ द पीपल जहाँ पे मैंने प्रूफ अटैच किया है, सो दैट दोज हैव ऑल्सो गॉट द प्राइजेस। तो इस साल, पिछले साल हमने 10,000 का गिव अवे या स्कॉलरशिप किया था, इस साल अपन 25,000 rupees का गिव अवे करने वाले हैं। प्योर रुपीज, प्योर कैश विच विल बी गिवन आउट टू द पीपल हु विन इन दिस गिव अवे। तो दिस गिव अवे विल बी डन ऑन माय बर्थडे और वेन एवर वी रीच 200K। तो दिस विल बी डन एज अ 200K बर्थडे स्पेशल। सो लेट अस ट्राई टू रीच 200K एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी 200K होगा उतना जल्दी वो वीडियो आएगा, अ स्पेशल मोटिवेशनल वीडियो, अ स्पेशल बर्थडे वीडियो जहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा एंड अ वेरी स्पेशल 25,000 rupees का गिव अवे भी किया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, एज मच एज पॉसिबल लाइक द वीडियो, कमेंट समथिंग गुड, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट वी कैन रीच दिस माइलस्टोन एज सून एज पॉसिबल, सो दैट वी कैन गिव अवे अ वेरी गुड कैश प्राइज ऑफ 25,000 rupees और अ स्कॉलरशिप विच यू कैन कॉल फॉर द पीपल जो इस चैनल को वॉच कर रहे हैं। So let us try to do it as soon as possible. Thank you everyone for watching this video. Jai Hind. Bye.